सभी अधिकारियों के ट्रांसफर हो गए, इनके ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, मेरी जान को खतरा है, मुझे इसलिए मीडिया बुलानी पड़ी। अगर मैं कल को मेरी जान के ऊपर कोई हमला होता है तो इसके प्रत्यक्ष जिम्मेदार। रुड़की में मेयर और पार्षदों के बीच हुआ विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रुड़की के पार्षदों ने नगर निगम में प्रेस वार्ता कर रुड़की मेयर गौरव गोयल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षदों का आरोप है कि मेयर हर काम में 22% का कमीशन मांगते हैं और नहीं मिलने पर झूठे आरोप लगाते हैं। पार्षदों का आरोप है कि मेयर सिर्फ उन सड़कों की जांच करा रहे हैं जिन सड़कों से उन्हें कमीशन नहीं मिल रहा है। पहले उन्होंने अपने वर्कशॉप में अपने घर पे कर्मचारी रख रखे थे 9-10, उसकी सैलरी हाथ से दे रहे थे, वो पकड़े गए। अब भी 10 कर्मचारी रखे हुए, आप पता कर लीजिए। बोर्ड बैठक कराना नहीं चाहते, हमने अधिकारियों से कहा बोर्ड बैठक कराइए, उन्होंने कहा कि वो तो मेयर साहब के अधीन आता है, मेयर साहब से कहिए, मेयर साहब से कई बार कह दिया, डीएम साहब को भी लिख कर दे दिया, लेकिन बोर्ड बैठक हो नहीं रही है। अब ये बोर्ड की बैठक पिछले 2 साल से 2 ही करवा पाए हैं, जबकि 1 साल में 6 बैठक होनी चाहिए। शहर की ज़रूरतें हर दूसरे महीने बदल जाती हैं, आप अगर शहर की ज़रूरतों के लिए बैठक नहीं करेंगे, उन पर विचार नहीं करेंगे, उन्हें अप्रूवल प्रदान नहीं करेंगे, उन्हें वित्तीय स्वीकृति उसके बाद मिलनी होती है, बहुत एक लंबी प्रक्रिया होती है और चुनाव आचार संहिता लगने वाली है। तो हमारा महापौर जी से निवेदन यही है, फिर एक बार पुनः आग्रह कर रहे हैं, संघर्ष जैसी स्थिति में हम नहीं जाना चाहते कि वो जल्द से जल्द बोर्ड बैठक बुलाएं और शहर के विकास को गति प्रदान करें। जबकि जो उनके अपने ठेकेदार हैं उनकी सड़कों की जांच नहीं करवा रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका कहना है कि अभी कुछ समय पहले 5 करोड़ रुपए के कार्यों के टेंडर निकाले गए थे जो नगर निगम के अधिकारियों ने मात्र 3 करोड़ में करा दिए हैं, जिससे नगर निगम को सीधा 2 करोड़ रुपए का लाभ मिला है। वहीं रुड़की मेयर गौरव गोयल भी अब पार्षदों पर जान से मारने की धमकी की तहरीर कोतवाली में दे चुके हैं। ठेकेदार है नितिन त्यागी, अव्वल दर्जे का ठेकेदार, पहले रजिस्ट्रेशन था, संजीव त्यागी ठेकेदारी कर रहा, कुलदीप त्यागी ठेकेदारी कर रहा, कुलदीप तोमर संजीव तोमर, ये ललित कंस्ट्रक्शन के नाम से बेबी खन्ना की फर्म है, करोड़ों रुपए के काम कर रहे हैं अधिकारी, करोड़ों रुपए के काम इन्हें बंदरबाट में बांट रहे हैं, एजेंसियां बांट रहे हैं करोड़ों रुपए की, एजेंसियों की भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पे है। मुख्यमंत्री या किसी बड़े नेता से आपने इनकी शिकायत करी है? मैंने सबसे शिकायत कर ली, लेकिन मुझे नहीं पता इन अधिकारियों की क्या सेटिंग है। बहुत बढ़िया सेटिंग है, बहुत बढ़िया जबरदस्त सेटिंग करे बैठे हैं कि रुड़की से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। सभी अधिकारियों के ट्रांसफर हो गए, इनके ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, मेरी जान को खतरा है, मुझे इसलिए मीडिया बुलानी पड़ी। अगर मैं कल को मेरी जान के ऊपर कोई हमला होता है तो इसके प्रत्यक्ष जिम्मेदार। मैंने FIR करा दी है, नितिन त्यागी, संजीव तोमर, कुलदीप तोमर, बेबी खन्ना, मोहसिन, राकेश गर्ग और इन सबसे ज्यादा धीरज पाल, ये लोग मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। मेरी जान को पूर्णतः खतरा है इन लोगों से, और इन सबको कराने वाले कयूम चंद्रकांत भट्ट और नुपुर वर्मा, इन लोगों से मुझे पूर्णतः जान का खतरा है। स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं, स्ट्रेटजी दफ्तर के अंदर आतंक मचा रखा है, एक भी कर्मचारी बोल नहीं सकता, स्ट्रेटजी बना के रुड़की के अंदर प्रकाष्ठा है भ्रष्टाचार की। अब इस पूरे प्रकरण से लग रहा है कि मेयर बनाम पार्षदों की यह जंग काफी बड़ी और लंबी खिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, उत्तराखंड। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर।